मंडलायुक्त अनिल कुमार और जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने 27 जुलाई से रामगढ़ ताल जेट्टी पर शुरू होने वाले योगा कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत जेट्टी पर बन रहे मंच एवं अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर जल्द से जल्द रामगढ़ ताल की जलकुंभियों की सफाई सुनिश्चित कराएं। उन्होंने मंच को और बड़ा करने तथा स्पीकर आदि की संख्या को भी बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से शौचालय निर्माण की जानकारी ली। मंडलायुक्त ने कहा कि शौचालय निर्माण पूर्ण होने तक अस्थायी शौचालय स्थापित किया जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया। के लिए हम लोग एक तरफ एक गोरखपुर गौरव मंच टाइप का एक बना रहे हैं ताकि उस पर सुबह से शाम तक एक्टिविटी चलता रहे। उस पर अभी फिलहाल हम लोग शुरुआत में प्रयास कर रहे हैं, सुबह और शाम को योगा हो जाए, फिर शाम को अंधेरा होते हुए उस पर तमाम कलाकार के लिए एक मंच के रूप से हम उसका प्रोवाइड करेंगे। वो तो जो गीत गा सकते हैं उस पर, और कोई परफॉर्म कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। शुरुआत में एक दो प्राइवेट एजेंसी से सहयोग लेके हुए हम लोग चालू कर रहे हैं। एस्परा एजेंसी है, उनने वो मंच का और माइक और मेंटेनेंस का पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उसके अलावा जो और बाकी सुझाव है वो हम लोग और जनता से भी ले रहे हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी उसको उम्मीद है आगे वाले जो अगले सप्ताह में CM साहब आएंगे उन्हीं के माध्यम से उसको शुभारंभ भी करा लेंगे उसका। ये एक तरफ लोकल कलाकार के लिए मंच है, ये जो भी जो गा सकते हैं और जो भी परफॉर्म कर सकते हैं जो भी है वो अपने डेट निशुल्क, हम लोग उसे चार्ज नहीं करते हैं, निशुल्क अपने नाम दे करके आराम से आकर के परफॉर्म कर सकते हैं। एक लोकल मंच है।